हाँ जी, लेट अस स्टार्ट विद द रिवीजन ऑफ एओडी। बेटा सबसे पहले एओडी में मैं आपको क्लियर कट बता दूं कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का कॉन्सेप्ट आज सिर्फ करवाने लगी हूँ। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाले क्वेश्चंस मेरे पास जो हैं, आपको पता है कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में क्या होता है। अगर इफ जो है एक्स वन ग्रेटर देन एक्स टू है, इम्प्लाइज एफ ऑफ एक्स वन ग्रेटर देन एफ ऑफ एक्स टू है, तो जो एफ ऑफ एक्स है ना वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है एक पर्टिकुलर इंटरवल में। अगर ये सेकंड इफ एक्स वन इज ग्रेटर देन एक्स टू, इम्प्लाइज एफ ऑफ एक्स वन अगर वो लेस देन एफ ऑफ एक्स टू हो जाता है, तो बेटा एफ ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। उल्टा हो जाता है मेरे पास, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या इंक्रीजिंग। ग्राफ देख लीजिए, ये इंक्रीजिंग बढ़ता ही जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे एक्स बढ़ेगी, देखो एफ ऑफ एक्स वन भी बढ़ेगा, ये एफ ऑफ एक्स वन है, ये एफ ऑफ एक्स टू है, बड़ा है ना, लेकिन डिक्रीजिंग में। ऐसे जैसे जैसे एक्स बड़ा, लेकिन एफ ऑफ, देखो एक्स वन जो है वो बड़ा है एफ ऑफ एक्स टू से, इधर एक्स वन एक्स टू से बड़ा है, ओ एक्स टू एक्स वन से बड़ा है, लेकिन यहां पर उल्टा हो गया, तो ये डिक्रीजिंग। हाँ जी, ये देखो यहां मैंने उल्टा लिया ना, पहले एक्स वन बड़ा है तो एफ ऑफ एक्स वन लेस देन हो जाए। आप चाहे यहाँ पर एक्स टू ले लो, यहाँ एक्स वन ले लो, वो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो लेबलिंग करते हैं ना हम सब। ओके, समझ आ गई बेटा बात सबको, क्लियर। तो मेरे पास जो है ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का, ये स्ट्रिक्टली ऑब्वियस है। अगर मैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग लू तो मैं इक्वल टू भी ले सकती हूँ यहाँ। ओके जी, अब मेरे पास क्वेश्चंस इस पर बेस्ड इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाले क्वेश्चंस कैसे आते हैं, आज मैं वो ही करवाने लगी हूँ सिर्फ। लेट अस सी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्वेश्चंस। हाँ जी, द वैल्यू। अच्छा, बिफोर स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के क्वेश्चन निकालने कैसे, ये तो डेफिनेशन बताई ना, क्योंकि डेफिनेशन भी तो आ सकती है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग करने के लिए अगर इंटरवल निकालना है, किस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग है, किस में डिक्रीजिंग है, पहला स्टेप एफ डैश एक्स निकालोगे, सेकेंड स्टेप एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो, थर्ड स्टेप उसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करनी चाहिए। जितने भी पॉइंट्स हैं, दो आए एक आए जिस पे जितने मर्जी पॉइंट है, मान लो दो आए। ओके, अगर मैंने एफ ऑफ एक्स में, मान लीजिए जब ड्रॉ किया था मेरे पास ऐसे दो फैक्टर्स बन गए थे, मैंने यहाँ एक्स वन एक्स टू ड्रॉ कर दिया नंबर लाइन पे, जहां पर भी जो लेफ्ट में आना है, यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं लिया, मतलब पॉजिटिव है, अगर पॉजिटिव है तो इधर से प्लस माइनस प्लस, लेकिन अगर बाय चांस इस फॉर्म में लेके आने के लिए आपको नेगेटिव आर कॉमन लेना पड़ा, माइनस प्लस माइनस। ओके, मेरे पास जो है क्या करोगे तब, यहां पर माइनस प्लस माइनस। ओके बेटा, क्लियर टू एवरीवन, कोई डाउट तो नहीं बेटा। अब मैं क्वेश्चन करवाने लगी, मैंने मेथड बता दी, इंटरवल फाइंड आउट करने के लिए ऐसे मेथड हम अप्लाई करते हैं। तो लेट अस सी, अब पहला क्वेश्चन है मेरे पास, द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच, मेरे पास इज इंक्रीजिंग। ए मैंने दे दिया -8 1, बी मैंने दे दिया 1 to infinity, सी मैंने दे दिया 1 to infinity, डी मैंने दे दिया
माइनस इंफिनिटी टू जीरो, ठीक है। तो अब मेरे पास जो है सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, डेरिवेटिव। जब मैंने डेरिवेटिव लिया, हाँ जी, फोर एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स स्केयर, फैक्टर बनाने, इसी में फैक्टर बनाया करो। फोर एक्स स्केयर में मैंने लिया एक्स माइनस वन, मैंने कोई नेगेटिव तो कॉमन नहीं ना लिया, कुछ नहीं ना लिया नेगेटिव कॉमन, नहीं लिया तो प्लस से ही स्टार्ट करेंगे। अब फैक्टर बनाओ, तो जब मैंने इसको इक्वल टू जीरो पुट किया, एक्स की वैल्यू जीरो, एक्स की वैल्यू वन, ओके। अब जब किया तो मेरे पास ये जीरो ये वन, सही लिखा ना, प्रॉपर फॉर्म में लिखना है, मतलब आप वन और जीरो इधर नहीं कर सकते, रियल लाइन में जहां पर आता। अब पॉजिटिव नेगेटिव और मेरे पास क्या आएगा, पॉजिटिव। तो मैंने जो है यहां पर बताना है कि मेरे पास जो है पॉजिटिव कहाँ कहाँ आएगा, माइनस इनफिनिटी टू जीरो, और जीरो भी इंक्लूड कर सकती हूँ उसने, क्योंकि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं कहा तो मैं इंक्लूड कर सकती हूँ, ओके। बट मैंने आपको क्या कहा हुआ है, जो ये कॉमन पॉइंट होता है इसको कभी भी हम इंक्लूड नहीं करते। यूनियन मेरे पास जो है वन टू इंफिनिटी, ये मेरे पास जो है ऑप्शन होनी चाहिए। यहां पर अगर मैं देखूं तो मेरे पास जो है वन टू इंफिनिटी वाला दिया हुआ है, जीरो टू माइनस इंफिनिटी वाला दिया ही नहीं, वन टू इंफिनिटी वाला मेरे पास दिया हुआ है। आंसर इन्होंने नो डाउट सी ऑप्शन दिया, बट दैट इज रॉन्ग। मेरे पास ये आंसर आना था, दैट मींस ऑप्शंस गलत दी हुई है यहाँ पर, 100% माइनस इंफिनिटी टू जीरो, यहाँ पर ऑप्शन गलत दी हुई है, किसी एक ऑप्शन में ऐसा आंसर दिया होना चाहिए, ओके। कोई बात नहीं, पेपर में वो चीज ध्यान में रखी जाती है, यहाँ पर बुक्स में बहुत सारी मिसप्रिंटिंग है, आपने उस चीज को ध्यान में रखा, आंसर ये आना चाहिए। और ये भी हो सकता है कि ऊपर इंक्रीजिंग की बजाय अगर ये डिक्रीजिंग लिख देता, ये डिक्रीजिंग, तो मेरा आंसर आना था जीरो टू वन, और जीरो टू वन वाली भी कोई ऑप्शन नहीं दी हुई इन्होंने, ठीक है जी, जीरो टू वन वाली भी कोई ऑप्शन नहीं दी है, तो दैट मीन्स ये मेरे पास जो है वो रॉन्ग ही दिया हो, ओके बेटा, क्लियर। चलो, ऑप्शन गलत है, कोई बात नहीं, आपको सम निकालना आना चाहिए। नाउ लेट अस सी, मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंटरवल, अब मैं ऑप्शंस नहीं लिखूंगी क्योंकि बुक में मिस्टेक है, सिर्फ मुझे ये बताना है द इंटरवल फॉर विच दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग, किसके लिए ये इंक्रीजिंग होगा फंक्शन। इन्होंने मुझे बोला हुआ ऑप्शंस जो दी हुई है, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, ठीक है, आपके लिए लिख देती हूं, देन माइनस टू टू जीरो, सी मेरे पास टू टू इंफिनिटी, डी मेरे पास जीरो टू टू। अब क्या करें, डेरिवेटिव ले पहले, जब मैंने डेरिवेटिव लिया मेरे पास जो है फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ दिस, ये आ गया ई पावर एक्स का, ई पावर एक्स होता है एक्स, माइनस एक्स है तो उसका माइनस होगा, प्लस, हाँ जी, प्रोडक्ट रूल ही लगा रही, देन सेकेंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ दिस, ई पावर माइनस एक्स कॉमन ले लू और एक्स भी कॉमन ले लू, ठीक है, तो मेरे पास क्या बचा, माइनस एक्स प्लस टू, ओके जी, इसको इक्वल टू जीरो पुट किया, जब इक्वल टू जीरो पुट किया तो एक्स माइनस, वैसे ये मैं ये नेगेटिव बाहर ले सकती हूं और यहां माइनस, तो जब मैंने यहां पर किया मेरे पास जो है ये जीरो के इक्वल, क्योंकि ये जो नीचे ई पावर एक्स है ये नॉन जीरो, उधर जाके जीरो ही होगा ना, तो एक्स की वैल्यू जीरो एंड टू, आई कि नहीं है। अब मैं नंबर लाइन में ड्रॉ करके देखो इसको, जीरो टू, देखो बाहर नेगेटिव है, स्टार्ट नेगेटिव
पॉजिटिव नेगेटिव, इंक्रीजिंग किसमें आएगा? जीरो टू टू में, तो आंसर कौन सा होगा? डी ऑप्शन। ओके जी, सबको बात समझ आ गई। मैंने यहां पर जब फैक्टर बनाए, मैंने आपको कहा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए एक्स पॉजिटिव होने चाहिए, तो मैंने माइनस बाहर ले लिया था, नेगेटिव है बाहर, तो यहां से नेगेटिव स्टार्ट कर, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। ओके, क्लियर? चलो आगे बेटा, नेक्स्ट। नेक्स्ट चलिए, बहुत इजी है, सब बच्चे के लिए। एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग इफ, जल्दी बताइए जरा, ये चैप्टर मैक्सिमम नंबर का पेपर में आना है और अब करना कोई मुश्किल नहीं है। ऑनलाइन स्टूडेंट जल्दी बेटा ट्राई कीजिए और मुझे आंसर बताइए फटाफट, जल्दी बी फास्ट बेटा, अनम्यूट करने लगी हूं सबको, लेट मी सी कौन आंसर दे सकता है। हाँ जी, 4x-6 अगर डेरिवेटिव लिया और क्या करेंगे इसमें से, इक्वल टू जीरो पुट करूंगी तो x की वैल्यू कितनी आई, 3/2। ठीक है, तो मैंने यहां पर ड्रॉ किया 3/2 माइनस इंफिनिटी इंफिनिटी प्लस माइनस। मुझे यहाँ पर आंसर बताना था कि किस पे फंक्शन इंक्रीजिंग है। मैं बार बार कह रही हूँ कि बुक में इतनी तो मिस्टेक्स हैं बेटा, हमें तो मतलब स्टेटमेंट से, ठीक है, देर आर सो मेनी मिस्टेक्स इन द बुक, तो आप बेशक ऑप्शन को मत देखो। मेरा जो आंसर आना चाहिए था यहाँ पर, x बिलोंग्स टू मेरे पास 3/2 टू इंफिनिटी, ऑप्शन सारी गलत दी हुई है यहाँ पर, आई नहीं रहा कहीं 0/1, तो हो ही नहीं सकता कि ये कोई मेरे पास जो है क्वेश्चन सही हो। ओके बेटा, क्लियर, दीज ऑप्शंस आर इनकरेक्ट। हाँ बेटा, इन्होंने कोई भी आंसर दिया हो, ये सी आंसर दिया है, वो मैच ही नहीं हो सकता इसके साथ, देर आर सो मेनी मिस्टेक। कई बार पता क्या होता है, ऑप्शन एक दूसरे अगले पिछले क्वेश्चन की हो जाती है, तो वो टेंशन मत लो प्रिंटिंग में, आपको सम निकालना आना चाहिए, मैं बार बार कह, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बेटा, मेरे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए एफ ऑफ एक्स जो है e^2x-1 e^2x+1 इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, इज एन डिक्रीजिंग फंक्शन, इज एन इवन फंक्शन और इज एन ऑड फंक्शन। ये हमसे पूछा गया कि ये फंक्शन कैसा है। बेटा ऑब्वियस है, इवन ऑड तो हमारे पास है ही नहीं ऑप्शन ना, है ना, तो हाँ जी इंक्रीजिंग होगा, कैसे पता चला? बुक का क्वेश्चन है तो सीधा नहीं ना, रीजन पता होना चाहिए, क्योंकि जरा सी स्टेटमेंट चेंज आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव लेके देखें, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, हाँ जी डिनोमिनेटर एज इट इज, इसका डेरिवेटिव लूंगी तो 2e^x, फिर माइनस मेरे पास जो है, हाँ जी e^2x-1 और इसका डेरिवेटिव करूंगी तो 2e^2x अगेन। ओके जी, अब 2e^2x कॉमन ले लूं, e^2x+1 माइनस e^2x+1, ये और ये कैंसिल, डिनोमिनेटर में e^2x+1 स्क्वायर। बेटा यहां बचा 2 to the 4, 4 पॉजिटिव, e की वैल्यू कुछ भी हो हमेशा आंसर पॉजिटिव ही होता है, ये भी स्क्वायर है पॉजिटिव ही होगा, वैसे भी के इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। मेरे पास f डैश x
मेरे पास जो है वो ग्रेटर देन जीरो आ रहा है, तो वो क्या होगा, इंक्रीजिंग ही होगा। ओके बेटा क्लियर। जब भी डेरिवेटिव मेरे पास जो है ग्रेटर देन जीरो आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो वो क्या होगा मेरे पास, इंक्रीजिंग ही होगा। दैट मीन्स स्लोप, स्लोप पॉजिटिव है। स्लोप कब पॉजिटिव होती है, ये देखे ऐसे। स्लोप नेगेटिव कब होती है, डिक्रीजिंग पे। बात समझ आई, इंक्रीजिंग में पॉजिटिव और डिक्रीजिंग में नेगेटिव होती है। तो ये कॉन्सेप्ट हम यूज कर सकते हैं हम। ओके जी क्लियर। चलिए बेटा मेरे पास जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट अस डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी बेटा नेक्स्ट मेरे पास जो है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का फिर इंटरवल वाला क्वेश्चन है। कीजिए एफ ऑफ एक्स जो है एक्स क्यू माइनस, अब ये क्वेश्चन डिफरेंट है फ्रॉम ऑल अदर, सी द क्वेश्चन केयरफुली। एफ ऑफ एक्स एक्स क्यू माइनस नाइन के एक्स स्क्वायर प्लस 27x plus 30 is increasing on R। उसने कहा है कि ये फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग है, तो उसने कहा विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू, इनमें से कौन सी ऑप्शन जो है वो ट्रू है। लेट अस सी, हाँ जी बेटा देखिए अब क्या करेंगे। यहां पर सबसे पहले मेरे पास हुआ एफ डैश एक्स, ले जब मैंने डेरिवेटिव लिया यहां पर 3x² माइनस 9k 18 18kx प्लस 27। ओके बेटा अब 3 कॉमन लेना ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ना। x² माइनस जो है मेरे पास 6kx प्लस मेरे पास 9। अब बेटा क्योंकि मेरे पास जो है यहाँ पर 100% है, मैं इसके फैक्टर्स नहीं ऐसे बना सकती क्योंकि x और y दो वेरिएबल, k में आंसर आ सकता है मेरे पास, k में आंसर आ सकता है। आप अगर कहो कि मल्टीप्लाई करें तो 9 आए और प्लस माइनस करें तो 6 आए, बट वो जब आप करोगे तो यहाँ पर वो k भी इंट्रोड्यूस हो जाएगा तो प्रॉब्लम आएगी मुझे, इसीलिए मैं नहीं कर सकती हूँ। तो इस केस में मुझे क्या करना है, मैंने देखना है कि कौन सी वैल्यूज पुट करूं कि आंसर इसका क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है ना। तो आप यहां से चूज कर सकते हो एनी वन ऑफ दिस, आप पुट करके देख सकते हो। माइनस वन टू वन अगर मैं जीरो पुट करूं एक्स की वैल्यू, के की वैल्यू यहां पर मैं जब जीरो पुट करती हूँ मेरे पास, तो क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 9 मेरे पास। पर कंडीशन किस पे सेटिस्फाई हो रही है, के पे मतलब एक्स पे, एक्स तो रियल है। अगर मैं यहाँ पर 4 से बड़ी वैल्यू पुट कर दूंगी तो ये लेस देन जीरो आ जाएगा, कंडीशन सेटिस्फाई मेरी नहीं हो सकती। अच्छा अगर मैं दूसरी देखूं, वो कह रहा है माइनस 1 से लेस और 1 से बड़ी, कोई भी वैल्यू आप के की पुट करके देख लो, एनी वैल्यू आप यहाँ पुट करके देखो, फिर ऐसे ही 0 to 1 पुट करके देखो, ऐसे ही -1 to 0 पुट करके देखो, किस पे आंसर मेरा जो है ये पॉजिटिव 100% इंक्रीजिंग है। अगर नहीं आ रहा मींस जिस पे नहीं आ रहा वो छोड़ते जाना है, जिस पे आ रहा वो एक्सेप्ट कर लेना, बस फैक्टर्स देखने। क्योंकि ये इंक्रीजिंग दिया है, इंक्रीजिंग दिया है मतलब ये ग्रेटर देन जीरो दिया 100%, क्योंकि उसने कहा। तो मतलब मैंने के की वैल्यू ऐसी लेनी है कि ये हमेशा इंक्रीजिंग ही बने, वो कभी भी लेस देन ना बने, तो वो आपको कंडीशन सेटिस्फाई करनी ही पड़े। अच्छा उसके लिए ना आप बना भी सकते हो, पता कैसे, ये के की वैल्यू है मेरे पास, तो आप मेरे पास जो है अगर मैं ये टर्म्स देखूं कि के ग्रेटर देन माइनस वन लेस देन वन दिया, तो मैं अगर -6x से मल्टीप्लाई कर दूं ऐसे,
उसके बाद मैं 9 ऐड कर दूं, उसके बाद मेरे पास जो है यहां पर एक्स स्क्वायर तो पॉजिटिव है ना, है ना, यहां से भी कंडीशन निकाल सकती हूँ कैसे। अब ये देखो मेरे पास ये तो पॉजिटिव है, ग्रेटर देन जीरो है, अगर ये ग्रेटर देन जीरो है तो बेटा 100% ये भी क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि ये जीरो से बड़ा, तो वहां से भी तुम वैल्यूज इसकी कैलकुलेट कर सकते हो, इट इज अप टू यू, चाहे आप वहां से वैल्यूज कैलकुलेट करो या इन वैल्यूज को पुट करके चेक करो, दोनों तरीके से कर सकते हो, इट इज टोटली अप टू यू, ठीक है बेटा। तो जो वैल्यू सेटिस्फाई इसमें आप चेक करोगे, हम एक बार चेक कर लेते हैं दोबारा इसी में, अगर मैंने यहां पर 1/2 पुट करूं के की वैल्यू 3x² - 18, ये हो गया 9x + 27, मेरे पास इसके रियल रूट्स एग्जिस्ट होने चाहिए, तो मैं यहां से भी चेक कर सकती हूँ, 20² मेरे पास हो गए, 20² - 4ac, अब ये चेक करो क्या सेटिस्फाई हो रहा है, 12, ये लेस देन जीरो आ रहा है, यानी नॉन रियल रूट्स आएंगे, तो फर्स्ट ऑप्शन बननी नहीं चाहिए, यहां पर अगेन फर्स्ट ऑप्शन गलत दी हुई है बुक में, मैं असाइनमेंट भेजूंगी बेटा, प्लीज जो क्वेश्चन मैं बोल रही हूँ कि गलत ऑप्शंस हैं उसको प्लीज सही कर लेना, ओके, आई विल सेंड टुडे दिस असाइनमेंट, बट प्लीज आप रॉन्ग वाली ऑप्शन को ये मत सोच लेना कि उन्होंने सिर्फ आंसर दिए हुए हैं उसका रीजन नहीं है, बट दैट इज रॉन्ग ऑप्शन, ओके क्लियर, उन्होंने फर्स्ट ऑप्शन को दिया हुआ है बट दैट इज रॉन्ग, मैं क्लियर कट कह रही हूं क्योंकि वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा हमारा, ठीक है जी। कम टू नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन, f(x) (2x²) - मेरे पास हो गए 2x, ये माइनस ओवर 2+x + log x, किस इंटरवल में ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द इंटरवल इन विच दिस इज जो है मेरे पास इंक्रीजिंग। सबसे पहले तो इसकी डोमेन अगर आपको याद हो, ये क्वेश्चन वो गए हमारी बुक का, उसमें क्या दिया हुआ था, प्रूफ दैट दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन इट्स डोमेन, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, तो डोमेन तब हमें पता था कि इसकी डोमेन क्या है, x > 0, हाँ जी बिल्कुल जी, तो इसीलिए अब यहां पर आप क्या करोगे, बेसिकली डेरिवेटिव लोगे, अगर जिस बच्चे को स्टेटमेंट याद है उसने निकालना थोड़ा, उसने तो सीधा आंसर लिख देना 0 to infinity क्योंकि 0 से बड़ी वाले, बट जिसको नहीं याद है वो प्रॉपर डेरिवेटिव लेगा, मेरे पास जो है 2+x as it is, इसका डेरिवेटिव -2, बीच में माइनस, मेरे पास जो है नेक्स्ट क्या होगा, मेरे पास -2x डेरिवेटिव ऑफ दिस 1 और मेरे पास लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x, ओके जी। अब क्या करें, -2 कॉमन ले लें, अंदर 2+x - 2x, अब क्या आएगा मेरे पास, दैट इज 2+x² + 1/x, हाँ जी, व्हाट इज लेफ्ट हियर, दैट इज -x + 2/2+x का होल स्क्वायर, हाँ जी, +1/x, अगेन टेक एलसीएम, 2+x का होल स्क्वायर इनटू x, मेरे पास हो गए -2x और इधर क्या आया मेरे पास 2+x का होल स्क्वायर। नाउ ओपन द ब्रैकेट्स,
जब आप ब्रैकेट्स ओपन करोगे व्हाट इज लेफ्ट विद यू, दैट इज माइनस 2x स्क्वायर प्लस, मेरे पास जो है ये माइनस बन गया 4x a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2ab ओवर x इंटू 2 प्लस x का होल स्क्वायर, इट विल कैंसल। अब मेरे पास क्या आया 3x स्क्वायर प्लस 4 ओवर x इंटू 2 प्लस x का होल स्क्वायर। ये पॉजिटिव कब आएगा? जब सिर्फ मेरे पास x पॉजिटिव होगा। क्यों? x स्क्वायर पॉजिटिव, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता, 4 भी कांस्टेंट है, उसने रहना तो जीरो से बड़ा ही, नीचे भी होल स्क्वायर है, इसने भी क्या रहना है पॉजिटिव। दिस इज ग्रेटर देन जीरो इफ x ग्रेटर देन जीरो, तभी ये इंक्रीजिंग होगा अगर x ग्रेटर देन जीरो। x ग्रेटर देन जीरो मतलब मेरे पास ऑप्शन है 0 to infinity पर। ओके बेटा, लेकिन जिस बच्चे को सीधा आंसर पता है, देखो उसका टाइम कितना सेव हो जाएगा, सीधा मतलब उसको स्टेटमेंट बुक वाली लर्न, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट भी आपका बुक का ही, एनसीईआरटी बुक का ही क्वेश्चन है, सिर्फ उसमें चेंज क्या है, एमसीक्यू टाइप में कन्वर्ट कर दिया, आंसर दे दिया आपको। उसने क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इफ y इज इक्वल टू एक्स क्यूब एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर, द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच जो है y इंक्रीजेस, मुझे y की इंक्रीजिंग फंक्शन की वैल्यू निकालनी है ना। अब पहले हम ऑप्शंस खुद निकालते हैं, क्योंकि मैं बार बार कह रही हूँ बहुत सारी ऑप्शंस क्वेश्चन में गलत दिए, तो लेट अस डू। मेरे पास जो है यहाँ पर क्या आएगा, सबसे पहले y डैश, हाँ जी, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज मेरे पास डेरिवेटिव ऑफ दिस। ओके जी, तो क्या करेंगे, मेरे पास x स्क्वायर x माइनस टू कॉमन ले लू, अंदर क्या बचा बेटा 2x, यहां पर क्या बचा 3 के साथ x माइनस टू 3x माइनस 6। ओके जी, और x स्क्वायर x माइनस टू और ये 5x माइनस 6, कोई नेगेटिव कॉमन नहीं लिया ना, और स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है, x की कोफिशिएंट पॉजिटिव ही है। अब जब इक्वल टू जीरो पुट करूंगी, x की वैल्यू 0, 2, 6/5, यही तीन ऑप्शन है। हाँ जी, वैसे इसकी वैल्यू को तो मुझे कोई टेंशन ही नहीं, इसने तो पॉजिटिव ही रखा है, जो मर्जी कर लो, तो रह किसकी गई, दो वैल्यूज पे रह गई, क्रिटिकल पॉइंट 0 ने मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं देनी, तो दैट मीन्स मेरे पास, वैसे मैं 0 लिख देती हूँ, हाँ जी 5/6 पहले आना था, फिर क्या आना था 2। इसने नेचर नहीं चेंज करनी, क्यों नहीं इसने नेचर चेंज करनी, ये स्क्वायर है, वैसे क्रिटिकल पॉइंट है, बट इट विल नॉट चेंज द नेचर। तो स्टार्ट मैंने पॉजिटिव से ही करना है, तो मेरे पास प्लस माइनस ये सारा क्या रहना है, प्लस ही रहना है, यहां वैल्यू चेंज नहीं करेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इट विल नॉट चेंज द वैल्यू, बात समझ आ गई। तो यहां पर बेटा मुझे इंक्रीजिंग पूछा गया था, आंसर क्या होगा मेरा इंक्रीजिंग के लिए, अगर x की वैल्यू इससे लेस और मेरी वैल्यू जो है वो 2 से बड़ी, यस दिस इज द ऑप्शन, मेरे पास है x जो है मेरे पास लेस देन 6/5 और मेरे पास जो है x ग्रेटर देन 2, दिस इज माय ऑप्शन दी हुई है यहाँ पर, ऑप्शन वो करेक्ट है, ठीक है बेटा। मैं बार बार कह रही हूं यहां जीरो काउंट नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, ये स्क्वायर है, क्रिटिकल पॉइंट है, ब्रेकेज है मेरे पास, बट नेचर चेंज नहीं होगी, पॉजिटिव का पॉजिटिव ही रहना, ठीक है। तो दैट्स व्हाई
मेरे पास रहना तो इसपे सब पे क्रिटिकल जो है वैल्यूज को इंक्लूड करके यहाँ पर इंक्रीजिंग ही है ना, तो दैट्स ओके क्लियर। चलिए कम टू नेक्स्ट बेटा, मेरे पास जो है अब उसने क्या पूछा जरा देखना नेक्स्ट क्वेश्चन में, लेट अस सी। उल्टा करके लिख दिया उसने, अगर फंक्शन मेरे पास ये है माइनस एक्स टू एक्स क्यूब प्लस 21x² माइनस 60x प्लस 41 इन द इंटरवल, ये इंटरवल दे दिया, इज लेस देन जीरो, लेस देन इक्वल टू जीरो, ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। वो कहता है कि फंक्शन कैसा है इस इंटरवल में, क्या करें? बेस्ट तरीका होता है इस इंटरवल में वैल्यू पुट करके देखो, आपको पता चल जाएगा वो कैसा आता है। ठीक है, तो आप देखोगे अगर मैं यहां पर देखूं कोई भी वैल्यू जीरो पुट करूं, 41 पॉजिटिव आ रहा है, आ रहा है। कोई और वैल्यू पुट करके देख लो, नेगेटिव वैल्यू कोई भी पुट करके देख लो। अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पर कोई पुट की -1, जब मैंने -1 पुट की -1 तो ये कितना हो गया 2 -1 21 प्लस 60 प्लस 41, ये हमेशा जीरो से बड़ा आ रहा है, ऑलवेज पॉजिटिव ही आ रही है ना वैल्यू, तो दैट मीन 100% ये क्या होगा इन जो है ग्रेटर देन जीरो होगा। ओके बेटा, थर्ड ऑप्शन क्लियर। चलिए जी नेक्स्ट बेटा, अभी तक जितने भी फंक्शंस मैंने देखे हैं ना यहाँ पर बेटा, सारे के सारे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए पूछे गए, लॉट ऑफ फंक्शंस आर देयर, तो आपको सिर्फ प्रैक्टिस होनी चाहिए कि फंक्शंस को हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग